কি নিচ্ছে এটা হাম চামড়া করা হলো কি তুমি যে এসে গুরু গুরু কে দেখ রই হো কুকু কি মেক তো সিফ হ্যাঁ তুমি তো সিফ মুঝে ঘুর রই থি আর কিছু কুকু মানে ফেস সে হ্যাঁ তুমি ফেস সে মেরে উপর সো দেই আম সরি কুকু সরি কেন কেন কোই জরুরত নেই ওকে তুমি কো ইয়ে ডেলি রুটিন হচ্ছে কি তুমি মেরে উপরই সোগি তো সরি কেন সে কে হো যায়গি सॉरी ना फिर से कभी नहीं करूंगी जब ना मुझे तो फास्ट ये बताओ कि तुम ये कितने बार कह चुकी हो कि तुम ये कभी नहीं करोगी ओके फिर से नहीं होगी हाँ वो तो मुझे पता है तुम फिर से सुबह पर कहोगे ओके कुकी सॉरी मुझे फिर से नहीं करूंगी कुकी जो ना तुम जो इतने ज्यादा इनोसेंट रहते हो ना तुम इतने ज्यादा इनोसेंट तो हो नहीं मुझे ही पता नहीं चलता कि क्यों कि तुमको क्यों सब लोगों ने इतना इतना ब्लर कर दिए अब हाथों भी मेरे ऊपर से कि ऐसे ही रहोगी कुछ नहीं लड़की के ऊपर से उठती है एंड वॉशरूम पर जाती है ये लड़की ये सिर्फ क्या कहूंगी इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है मुझे तो जिमी फ्रेश होकर नीचे चल जाती है एंड जीके भी आती है तो जिम कहती है आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो ऑइफ
एक्सेल के लिए, तो जब जिंदगी कहती है ना तो जीके को राज करती, क्योंकि अब उन दोनों की शादी की 3 महीने हो चुकी थी यार, और उन दोनों के अंदर एक फीलिंग चल रही थी एक दूसरे के लिए, इसलिए उन दोनों की रिलेशन ना कुछ और जैसे हो रही थी। वो लोग चाह रहे थे एक जैसा बात हो रही थी और एक जैसा। तो जेके और जिमिन जाती है, जेके जिमिन को कॉलेज पर छोड़ के जब आने वाला था तब जेके देखती है एक लड़का आके जिमिन को हक करती है बहुत टाइट से। ये लड़का कौन है और ये जिमिन से इतनी टाइट से क्यों हक कर रहा है? आप समझ में आ रहा है, मेरे को हस्बैंड कहती है मुझसे शादी करके बॉयफ्रेंड लेके बोलती है। आज बताऊंगी इसको घर पर कि हस्बैंड मेरे से धोखा किया ना, बट मैं तो यही चाहती हूँ ना कि जिमिन मुझे छोड़ दे, तो मुझे ऐसे क्यों लग रहा है? जेके कंट्रोल योर सेल्फ, क्योंकि तू जिमिन को कभी भी ये बता सकती है तेरे दिल पर क्या है उसके लिए, क्योंकि ये बात मैं बाद में बताऊंगी आदमी, ठीक है? बट एक बात समझ लो कि जेके जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, मतलब कह नहीं सकती क्योंकि क्योंकि कुछ नहीं, ठीक है? तो जेके ऑफिस पे चली जाती है एंड जिमिन क्लास करते हैं, तो जब जिमिन का छुट्टी होती है तो जिमिन जाके देख, जिमिन जब उसकी घर पर जाती है, जिमिन जाके देखती है कि वहां पर जेके ऑलरेडी है, तो जेके जिमिन कहती है कुकी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी ऑफिस में रहना था ना? हाँ जिमिन, मुझे तो ऑफिस में रहना था, बट मैं कैसे रहती, तुम्हारे पापा का ना तबीयत खराब है इसलिए ते एंड सो गए ये वहाँ पर थी। व्हाट, मैं पापा का ठीक है ना, मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। नहीं जिमिन, तुम्हें नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम कैसे जाओगी, हम यहाँ पर हमारे यहाँ पर गेस्ट आएगी तो तुम ना उसकी ध्यान रखना पड़ेगी तुम्हें, तो तुम कैसे जाओगी, कौन आएगी? बट जेके मुझे जाना है, मेरे पापा तो क्या तुम्हारे पापा का ना हॉस्पिटल पे ले गई एंड मेरे भाई है वहाँ पर, तुम्हारी बहन है वहाँ पर, तो तुम्हें जाना पड़ेगा क्यों? ये कैसी बात होती है, जेके मुझे जाना है मेरे पापा। कोई बात नहीं जी, मेरा पापा ठीक है, तुम इससे बात कर लो, ठीक है? तो जिमिन ते को फोन करती है, हेलो ते ते, हाँ जिमिन क्या हुआ, तुम रो रहे हो क्या? जिमिन क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? जिमिन ते ते, पापा ठीक है? हाँ जिमिन पापा बिल्कुल ठीक है, तुम रो मत, तुम्हें तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी बहन है ना, मेरी क्यूटी, प्लीज रो मत। ते ते, पापा का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ मैं रखूंगी, बट तुम रो मत, ठीक है? मैं यहाँ पर ना चले आऊंगी जब पापा थोड़ा सा ठीक हो जाएगी, आपका ध्यान रखना, जेके के भी ध्यान रखना, ओके जेके। तो फोन काट हो जाती है एंड जिमिन जेके को कहती है कुकी कौन आने वाला है? कौन? कौन? मेरा जीफ। तो जब ये कहती है ना जिमिन को, बहुत जिमिन बहुत हार्ड होती है क्योंकि जिमिन जेके से बहुत ज्यादा प्यार करती है एंड उसको पता है कि जीफ है, बट जिमिन ये नहीं सोचा था कि जेके उसको जीप को घर पर ले आएगी अब जिमिन के पास। जिमिन कहती है बट क्योंकि वो घर पर क्यों आएगी, और घर पर क्यों आएगी मतलब क्या होती है, वो मुझसे शादी करेगी तो वो मेरा वाइफ बनेगी ना, तो वो उसको हक होती है पहले से ही यहाँ पर आने का। अब तभी वहाँ पर कोई आती है और जेके को हक कर लेती है, हाँ बेबी तुम यहाँ चुकी, हाँ क्योंकि तुम मेरे को सोचा तुम मुझे लेने जाओगे, बट तुम तो मुझे लेने नहीं गया, क्या करती बताओ? यहाँ पर ना मुझे कोई कुछ काम था इसलिए मैं जा नहीं पाया, आई एम सॉरी माय बेबी। ओके तो जिमिन ना जाओ, मेरे बेबी के लिए कुछ खाना लेके आओ। ये तो वो यहाँ पर क्या कर रहे थे कि ये इसकी बहन के लिए यहाँ आई थी, तो मेरे पास है मामा डैड, मॉम एंड डैड गई बिजनेस ट्रिप पे एंड भाभी की भी पापा का तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी यहाँ पर है, तो हम मैं यहाँ पर अकेला हूँ इसलिए भाभी इसको यहाँ पर रख गई मेरे ध्यान रखने के लिए। ओके ठीक है, जब
장 지민아 미래의 지스켈리의 구축하나겠죠. 또 지민 이 새끼를 뭐 가지고 왜 이렇게 그래야 돼. 또 리사코나 지민 버슨들이 이슬리 리사케 할 때에 옷을 강했고 지민과 핫발 나 핫발 지민과 핫발 달듯이 야스의 애칭과 되게 지민 코디가 바디가 되게 되게 꽃이니까 되게 제가 아까 내 좀 키코나 매매매 계속 도매라니까 지민아 좀 내 큰 사태야 매매매 코디 돕는 기다리여 스토바리 꽃이 매매 꽃이니 키우다 도매 꽃이니 키우나 동고 동기 아들 지민이 맞아 문제 동기 아들 나한테 코치 코차디고 맞아 문제 좀 비즈니스 네이커 사태도 걸니 사태 가르도 선물로 선한 사태였나 암차 오야세 미리 아코 기사면서 저 오야세 또 지민 뭐가 들어오기게 안 보고 진짜 이자기 제게 미사고 가야돼 일사 문제 받아야기 겨우에 해봐 맞네 동생 뭐가 짜라 빼앗갈 때 이세면 꽂히는 얘기야 말 돕네 기억이야 내배 기억이 뭐 제일 애기 밀고를 벗었는데 어떤 말이 봤을게와이 미사 뭐 제일 예 벗었는데 이렇게 여도 매일 벗은 일을 하기 동네도 매일 벗으러 온기 이스코나 매일 한 세비스 동기 저기 스키 바바기 담배 치고자이 오케이 또 혼자 막 미사도 하자 저기 제게 자 몸발 자기 자기 리때 지민 소배 앤 지민께 마음 자기 얘기하게 해 지민아 또 다음 제일 키지 제게 리때 지민께 핫발 오 뭐 헛제하다 랄로리 디스리 제게 얘기 지민아, I'm sorry. 나게 이렇게 동아이. 지민아, 왜 옷이 니까 이렇게 동아이서 애사고 싶다니까. 지민아, 좀 귀여워이 밀봐. 지민아, 밀 자리서 와서 밀 이자리 동아이서 계속할 내가 봐서 밀 못쓸 걸 밀바래라. 귀엽게, 귀엽게 밀 이자리 동아이 라이프 것이야. 라이프, 가던 걸 내리겠네. 지민아, 플리즈 먼저 저렇게 자리서. 예, 그 사람이 뭐 할까임. 지민아, 밀 이자리. 누가 알았을 동아이 빼야네. 고양이끼리 지민아 플리즈 먼저 저렇게 자리 좋아하세요 지민아 플리즈 Let me alone